पार्वती महाराज ने रावण के चरण पखारे, राम जी ने देख लिया और राम जी ने विचार कर लिया आज मेरे पिता ने चरण पखारे एक बार मैं भी जरूर पखारूंगा। और जब रामेश्वर धाम की स्थापना हुई हनुमान जी से कहा गया कोई विद्वान पंडित लाओ। हनुमान जी ने विभीषण से पूछा विद्वान पंडित कौन मिल सकता है, तो कहा मेरे भाई लंकेश के बराबर कोई विद्वान नहीं। मंदोदरी से प्रार्थना कर रावण को लेकर आए थे और रावण ने बैठकर रामेश्वर धाम की स्थापना करवाई थी। तब राम जी ने रावण के चरण पखारे थे, तब रावण ने आशीर्वाद दिया था राम विजय भव, राम को आशीर्वाद दिया विजय भव। तो हनुमान जी ने कोनी मारकर कहा क्यों रे रावण हार गया, अभी से हार गया। रावण कहता है हारा नहीं हूं, पर जिस जगह पर मैं बैठा हूं वो एक गुरु की गादी है और गुरु की गादी पर कोई भी ब्राह्मण आता वो यही आशीर्वाद देता, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया और अन्यथा युद्ध के मैदान में तो राम मेरा दुश्मन है, इससे युद्ध जरूर कर। भोजन बोलिए महाराज भोजन क्या बनाया जाए। रावण बोले कि जिसके कारण मैं भोजन करने आया वो भोजन बना। सीता जी से कहा भोजन बनाओ, माता जानकी ने भोजन बनाया, रावण को भोजन कराया, रावण भोजन करा। दशरथ जी ने कहा बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं। रावण कहता है दक्षिणा आपसे नहीं लूंगा, जिसके कारण मैं भोजन करने आया हूँ दक्षिणा वो देगी उसको बुलाओ। सीता जी हाथ जोड़कर खड़ी थी, बोलिए ब्राह्मण देव दक्षिणा क्या दी जाए। इतने में लंकेश सीता जी को देखता है और सीता महारानी रावण को देखती है कि ये वही रावण है जो जनकपुरी में युद्ध के मैदान में धनुष यज्ञ के समय पर आया। बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं। लंका का राजा रावण कहता है जानकी जी दक्षिणा मांगूंगा वो दे दोगी। सीता जी कहती है ब्राह्मण देवता मांगिए तो सरी जरूर देंगे, क्या चाहिए आपको। इतने में माता सीता के सामने लंका का राजा रावण कहता है जानकी मैया अगर दक्षिणा में देना चाहती हो तो मुझे मेरी मुक्ति दे दीजिए। क्या दे दो तो बोलो, मुक्ति दे दीजिए। सीता जी ने उसी समय कहा ब्राह्मण देव दक्षिणा में मुक्ति भी दे देती अगर तुम मेरे पिता जनक के यहाँ जीवने आते, अब तो मैं ब्याह हो गया है शादी कर कर आ गई हूँ और पति से बिना पूछे कुछ नहीं दे सकता। कि मुक्ति सीता जी जानती है मैं दे ही नहीं सकती, मुक्ति तो कौन देगा। सीता जी दौड़ कर गई प्रभु प्रभु दरवाजे पर ब्राह्मण भोजन करने आया है और दक्षिणा में मुक्ति मांग रहा है। तो सीता जी के शब्द सुने तो राम जी बोले दे दे मुक्ति। सीता जी बोली प्रभु आप कह रहे हो मुक्ति दे दो, अगर लंका के राजा रावण को मुक्ति देना है तो पहले लंका में भक्ति को भेजना पड़ेगा, जब तक हृदय में भक्ति नहीं विराजमान होगी तब तक मुक्ति कैसे हो पाएगी नाथ। तो राम जी कहते हैं मैं लंका में भक्ति भेज दूंगा। सीता जी कहती है प्रभु आपकी इस धर्म पत्नी का एक नाम भक्ति है, जब तक सीता लंका नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं सीता मेरे शंकर के भगत का उद्धार करने के लिए मैं तुझे लंका भेज दूंगा पर रावण को मुक्त। जैसे सीता लंका में पहुंची ऐसा भक्ति का संचार हुआ, सीताराम 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 अंदर जाए सीता बाहर देखे राम, बस सीताराम का ऐसा संचार हुआ कि राम जी दरवाजे पर पहुंच गए और रावण को मुक्त कर दिया। रावण